हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, यानी जो भी आपके पार्ट्स डिस्कस हो चुके हैं अगले पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और 20 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके बाद हम लोग 21वें क्वेश्चन से आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, आप सभी ने उसके सही आंसर्स दिए हैं, आपने अच्छे आंसर्स दिए हैं। मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन भी आया है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स नहीं देखते हैं, आप लोग वीडियो देखते चले जाते हो, कमेंट बॉक्स नहीं देखते हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या था। एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सबसे पहले सिख गुरु कौन थे जो शहीद हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उनको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दिया था, बट बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स नहीं देखते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए। तो जो पांचवें गुरु थे वो थे जो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे, और नौवें गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर नौवें गुरु थे। तो पांचवें गुरु यानी ये भी मारे गए थे, ये भी मारे गए थे। तो सबसे पहले कौन मारा गया था? पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव। तो अर्जुन देव जी जो थे वो सबसे पहले गुरु थे जो शहीद हुए थे, और नौवें जो थे तेग बहादुर, यानी पांचवें और नौवें गुरु, इन दोनों लोगों को मारा गया था। इनको जहांगीर ने मारा था, इनको औरंगजेब ने मारा था। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। ये क्वेरी थी जो कमेंट बॉक्स में आई थी, इसका मैंने अच्छे से आंसर दे दिया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले कौन मारे गए थे, तो अर्जुन देव मारे गए थे, उसके बाद नौवें गुरु थे तेग बहादुर, वो मारे गए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरेडिटरी डिसीज, कौन सा रोग वंशानुगत है। ओके, वंशानुगत का मतलब होता है आपके माता पिता के अंदर है, तो वो रोग आपके अंदर भी आ जाएगा, उसको बोलते हैं वंशानुगत, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जनरली लोग कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर ये आपको हो गया तो आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ओके, इसमें क्या होता है कि कलर्स का हम अच्छे से पहचान नहीं कर पाते हैं, वही होती है रक्तांधता या कलर ब्लाइंडनेस, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द चार मीनार, चार मीनार किसने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये दरअसल इन्होंने ही 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। और उसके बाद हैदराबाद में एक प्लेग, जो जिस तरह इस समय COVID-19 फैला हुआ है उसी तरीके से वहाँ पर प्लेग फैल गया था। तो उस प्लेग के वो प्लेग उसके बाद जैसे अब हम लोग विजय पा रहे हैं COVID-19 पे, उस तरह इन्होंने प्लेग पर विजय पाई थी, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? चार मीनार की स्थापना की थी। ओके, तो चार मीनार की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद में चार मीनार है, 1591 में हुआ था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने किया था। ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा, और भी इनसे जुड़ी काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेस, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस जगह से प्रारंभ किया। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सत्याग्रह की बात कर रहा है, तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या था, हम लोग देखते हैं। तो 1916 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उसी अधिवेशन में एक्चुअली जो राजा राजकुमार शुक्ल जी थे वो बेचू की स्थापना में जब गांधी जी आए थे तभी से गांधी जी के पीछे लगे हुए थे। लेकिन 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात गांधी जी से हुई, और वो एक हिसाब से कह सकते हैं सफल हुए गांधी जी को मनाने में 1916 वाले सेशन में। और उसके बाद 1917 में गांधी जी को बिहार इन लोगों ने राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, किसके लिए? आंदोलन करने के लिए। किस लिए आंदोलन कर रहे थे? तो तिनकोठिया पद्धति है। ओके, तीन कोठिया पद्धति थी, इस पर ये लोग इसका ये लोग विरोध कर रहे थे, नील की खेती से रिलेटेड ये पद्धति थी। तो 1917 में हुआ था, 1917 चंपारण जगह था, चंपारण में सबसे पहले इन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये हुआ, और यहाँ पर ये किसके कौन कौन इनके साथ था, इनके सहयोगियों की बात हम देखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी इनके सहयोगी थे, राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी ये चंपारण सत्याग्रह में इनके सहयोगी थे। और चंपारण सत्याग्रह, ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको चंपारण के बारे में याद रखनी है। कब शुरू हुआ? 1917 में। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। कौन सी पद्धति थी? तो तीनकोठिया पद्धति यानी नील की खेती से रिलेटेड ये पद्धति थी, इसके विरोध में शुरू हुआ था।
कौन कौन साथ था? तो राजेंद्र कुमार, जे वी कृपलानी ये मुख्य सहयोगी थे इनके। और इसके सफल होने के बाद महात्मा गांधी जी को किसकी उपाधि दी गई, सॉरी गांधी जी पहले थे, महात्मा की उपाधि इनको दी गई किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो पहला था चंपारण। क्रम आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो क्रम के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, CAK। ओके, CAK ट्रिक याद रख सकते हैं। इससे चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ये क्रम है इनके आंदोलनों का। कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके सारे आंदोलन के बारे में, लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर कब बना था, कब बना था ये मंदिर? तो ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था। ये सन टेम्पल है, कहाँ पर है? तो ओडिशा के पुरी में स्थित है ये टेम्पल, ओडिशा के पुरी में स्थित है ये टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आई होप ओडिशा से जो भी लोग होंगे वो कमेंट करेंगे और बताएंगे, जो जो लोग इस मंदिर को देखे हैं वो कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि ये मंदिर कैसा है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है मंदिर। कभी आप यहाँ पर घूमने भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी 100% सोलर एनर्जी एफिशिएंट। 2019 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं तो ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी इसके पूछने की चांसेस बिल्कुल ही कम है, ये कम क्या कह सकता हूँ, 0% है, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए उस समय के हिसाब से इसका सही आंसर ड्यू था। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि करंट 2019 का नहीं पूछा जाएगा। आपकी अभी 6 महीने के जो करंट अफेयर है वहीं से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉर्न विद भारत रत्न, भारत रत्न से किसे विभूषित किया गया है? तो सभी बच्चे बच्चे को पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्या है, भारत रत्न से विभूषित किया गया है, भारत रत्न से इनको विभूषित किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर जी हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने पाया था, 2014 में इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न के साथ। सबसे कम उम्र में पाने वाले हैं, ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। और अभी तक 100 शतकों का रिकॉर्ड एकमात्र इन्हीं के पास है। ओके, तो ये शतक, ये रिकॉर्ड और कब पाया था ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न कब मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल रिलेटेड टू, लोटस टेम्पल किससे संबंधित है? तो लोटस टेम्पल ये बहाई धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहाई लोग ही जाएंगे, सब लोग घूमने जाते हैं। कहाँ पर है? तो बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा भी होगा, ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? लोटस टेम्पल दिल्ली में है। इसका ऊपर का जो भाग है वो कमल के जैसा है, इसलिए इसको लोटस टेम्पल बोलते हैं। तो ये बहाई धर्म से रिलेटेड है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को। बहाई धर्म ही अगर आएगा तो आपको क्लिक करके आना है, क्योंकि यही धर्म सही है, ना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदू धर्म ही वगैरह टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है, ये भी करंट का रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो पूछ रहा है, किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन जो है लॉन्च किया, कंप्लीट किया गया था? तो वो असम था, असम में ही NRC जो है लागू हुई है। NRC क्या होता है? NRC होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, यानी जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं, असम के सिटीजन्स हैं, उनका रजिस्टर बनाया जाएगा। जनरली और भी स्टेट्स में नहीं है, ये असम में है। क्योंकि असम जो है इधर काफ़ी ज़्यादा आउटर में है, यहाँ बांग्लादेश के जो भी हैं अवैध प्रवासी, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो आ जाते हैं, तो उनको पता करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए NRC का यहाँ पे जो है ये गठन किया गया है, NRC रजिस्टर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, द थर्ड फिलर हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, द थर्ड फिलर बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड फिलर बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो रघुराम जी राजन के द्वारा थर्ड फिलर बुक लिखी गई है। रघुराम जी राजन जी ने 3 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ एक जानना है, द थर्ड फिलर, और आपके एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो दोनों किताबें काफ़ी उच्च लेवल के हैं, तो वो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, सिर्फ द थर्ड फिलर पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर उसी को जानिए। तो रघुराम जी राजन ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, आप सबको पता होगा RBI के गवर्नर रह चुके हैं, और ये IMF में भी काम कर चुके हैं। IMF के बारे में आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IMF की स्थापना कब हुई थी। IMF के जो हैं ये IMF में भी एक सचिव के रूप में काम कर चुके हैं,
और भी रघुराम जी राजन के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स हैं। एक 2010 में एक मूवी आई थी इनसाइड जॉब करके, वो ऑस्कर भी उस मूवी ने जीता था। उस मूवी के लिए रघुराम जी राजन से इंटरव्यू लिया गया था उस मूवी को तैयार करने के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया। आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा इनसाइड जॉब वगैरह, लेकिन ये रघुराम जी के बारे में एक फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया। आपको इतना याद रखना है कि रघुराम जी राजन की बुक थी द थर्ड पिलर, और रघुराम जी राजन जो हैं वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं हमारे यहाँ, IMF में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ डायबिटीज़ मेलेट्स डज नॉट सीक्रेट, एक मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में स्रावित नहीं होता है, क्या स्रावित नहीं होता है? तो जनरली हम लोग पहले देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले इंसुलिन जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, इंसुलिन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, एक होता है पैनक्रियाज, आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोलॉजी में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय की दो मुख्य जो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन का सिक्रिएशन करती है, ग्लूकागॉन होता है इसका सिक्रिएशन करती है, और बीटा सेल्स जो होता है ये इंसुलिन का जो है सिक्रिएशन करता है, इंसुलिन का स्रवण करता है। तो इंसुलिन का स्रवण कौन करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, तो बीटा सेल्स करती है। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो है यानी अग्नाशय की बीटा सेल्स हैं, ये इंसुलिन का स्रवण करती हैं, और किसी भी वजह से अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में घट गया तो हमको क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाएगी हमको। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ कि अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रिएशन करेंगी, बीटा सेल्स जो हैं वो सिक्रिएशन करेंगी किसका, इंसुलिन का सिक्रिएशन करेंगे, और इंसुलिन अगर इसका सिक्रिएशन कम हुआ हमारे बॉडी में तो हमको क्या हो जाएगा, हम लोगों को मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है टेंथ जो है टेंथ नंबर कौन सा होगा, इसका टेंथ टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे अगर आप सीरीज को पकड़ लेंगे तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हर लेवल पे ये डबल कर दे रहा है, हर लेवल पे क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। ऐसे ही डबल करते हुए आपको 10 संख्याओं तक लेके जाना है। ओके, 10 संख्याओं तक, जैसे 5 से 10 किया है, 20 किया है, 40 किया है, 40 के बाद 80 हो जाएगा, 80 के बाद क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 के बाद 320 हो जाएगा, 320 के बाद क्या हो जाएगा, 640 हो जाएगा, 640 के बाद क्या हो जाएगा, 640 के बाद 1280 हो जाएगा, 1280 के बाद क्या हो जाएगा, 1280 के बाद हो जाएगा 2560। तो ये देखिए, यहाँ पे चार थे, चार चार, उसके बाद ये चार छः दस, तो दसवां जो टर्म है कौन सा है, यानी दसवीं जो संख्या होगी कौन सी होगी, वो होगी 2560। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2560। आपको हर लेवल पे उसका डबल कर देना है, जो भी पीछे है उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो ऐसे करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो, कि एक सही चलने वाली घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल द हावर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन आफ्टरनून। जब घड़ी दोपहर के 2 बजाएगी तो उस समय तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो चलिए हम लोग घड़ी बना लेते हैं, आप सबके पास घड़ी है तो आप देख सकते हैं। तो घड़ी में कह रहा है कि जो एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ये देखिए, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये 8 o'clock शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 8 o'clock शो कर रहा है, वो भी मॉर्निंग का शो कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉर्निंग का 8 o'clock शो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जब घड़ी में दोपहर के 2 बजेंगे, यानी यहाँ पे 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, जब 2 बजेंगे तो जो ये जो है ये कितना, ये यहाँ पे ये जो है ये कितना यहाँ पे एंगल बनाएगी, ये पूछ रहा है जनरली आपसे। तो देखिए, पूरा यहाँ पे हमने 12 बनाया है तो 360 का होता है पूरा, ये 360 डिग्री का होगा। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक जो है एक घंटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, एक घंटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपकी जो ये हावर वाली घड़ी है यानी घंटे वाली जो सुई है ये कितना चली, 8 के बाद 9, 9 3 12, 8 के बाद 9, 9 3 12, यानी आपका 4 हो गया, 9 3 12, 12 2 6, 12 2 सॉरी 12 2 यहाँ पे चला, तो 4 2 6, यानी 6 घंटे चली। 8 से 2 ये कहाँ चली, कितना चली, 6 घंटे। एक घंटा बराबर कितना है आपका, यानी 1 आवर इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। तो 6 आवर कितना हो जाएगा, तो 6 को जब हम 30 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180।
180 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री क्या हो जाएगा सही आंसर। इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 8 वाला जो होगा, 8 के बाद यहाँ पे 2 वाला रहेगा, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो आप यहाँ 8 से जब 2 तक जाएंगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। 1 घंटे बराबर 30 डिग्री है, तो 6 घंटे बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब में इसी चीज़ को पूरा उठा करके हम लोग ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये होता है मिरर इमेज। अगर कभी आपसे वाटर इमेज पूछ लेगा तो वाटर इमेज ऐसे बनती है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ओके, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो वाटर इमेज उसकी जो बनेगी, ये उसका उसकी जो ये जो सिर है ये इधर नीचे चला आएगा, ऐसे करके बन जाएगा उसका वाटर इमेज, ओके। और इसमें अगर दर्पण में बनेगा तो ये चीज़ बिल्कुल हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए एस यहाँ पे है, तो एस इसको इधर लाएंगे और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये, ठीक। तो मिरर इमेज में हम पूरा का पूरा संख्या को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वाटर इमेज में ऊपर से नीचे कर देते हैं। वाटर इमेज ऐसे आपको दिया रहेगा, उसमें नीचे बनेगा वाटर इमेज, ये मिरर इमेज है। तो ये दो इमेज आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में सीरीज़ लगी हुई है, काफ़ी ट्रिकी सीरीज़ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला टर्म है 3 को इन्होंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा, यानी 1.5। तो 3 को इन्होंने 1/2 यानी 0.5 से किया है। उसके बाद ये क्या आ गया है, 1.5। तो 1.5 को किससे किया है, इसी में 1.5 बढ़ा के यानी 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब 1 में फिर ये 0.5 बढ़ाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा 1.5 जो आया है, इसको जब हम 1.5 से करेंगे तो हमारा 2.25 आ गया। 2.25 को जब हम लोग 2 से मल्टी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फिर 0.5 बढ़ाना है, जब हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब हम लोगों का कितने तक हो गया था, 2 तक हो गया था, फिर उसमें 0.5 बढ़ाना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.25। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हर सीरीज़ में कौन सा क्रम लगा हुआ है, सभी में 0.5 + 0.5 यानी 1.5 उसके बाद फिर 1.5, फिर उसके बाद 2.5 ऐड करके फिर 2.5, ऐसे करके इसने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है हर संख्या में, तो आगे वाली संख्या आती जा रही है। यही सीरीज हम लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। ओके, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए 2 जो है, 2 से 3 जाने के लिए इसने क्या किया है, 1 इसमें मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद 1 जोड़ दिया। ओके, ये पहला क्लियर हुआ आपको, आई थिंक ये क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, 3 से 8 जाने के लिए इसने क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है फिर 2 से जोड़ दिया है। वहाँ पे 1 से किया था, यहाँ पे क्या किया है, उसके अगले ही जो सीरीज में है उसमें कितने से किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद फिर 2 जोड़ दिया है इसने। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है 8 के बाद 63। तो 8 से 63 जाने के लिए इसने क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है फिर 7 से जोड़ दिया गया है। 7 से मल्टीप्लाई करके ही 7 को इसने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, यानी जो भी आगे वाली संख्या उससे 1 कम करके। ठीक, यहाँ पे 2 है तो इसने 1 से किया, 3 है तो इसने 2 से किया, 8 है तो इसने 7 से किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 63 से नेक्स्ट वाली हम संख्या को पाने के लिए क्या करेंगे, तो 63 से नेक्स्ट वाली संख्या को पाने के लिए 63 से ही 1 कम यानी 62 से मल्टीप्लाई करेंगे और 62 को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3968, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हुआ है कि 2 से हर एक संख्या के आगे जाने के लिए उसने उसी संख्या के 1 कम से पहले उसको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसी में जोड़ा गया है, तो आगे वाली संख्या आई है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है, इसमें हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा तभी सही आंसर आ सकता है इसका। तो चलिए हम लोग पहले ही ऑप्शन से करना स्टार्ट करेंगे, चेक करना 2 + 4। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही चेक करने पड़ते हैं तभी आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो सही आंसर नहीं आता है इसमें। तो हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है 2 + 4,
उसके बाद डिवाइड किया गया है 6 से इज इक्वल टू 8। कह रहा है प्लस को हम लोग पर किससे कर देंगे, डिवाइड वाले चिन्ह से परिवर्तित कर देंगे। तो चलिए जितना भी कह रहा है हम लोग यहाँ पर करते हैं। 2 को कहा है इसने 4 से, 2 को 4 से, यानी 2 के जहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 4 रख देंगे, प्लस के जहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे डिवाइड वाला रख देंगे साइन। 4 को 2 से कहा है, 4 को किससे कहा है इसने 2 से, तो यानी 4 के जहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। उसके बाद इसने जो डिवाइड वाला है उसको प्लस से इसने कहा है चेंज कर देते हैं हम लोग, तो इसको हमने प्लस कर दिया। उसके बाद 6 को इसने चेंज करने के लिए नहीं कहा है, तो 6 को हम लोग वैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 8। तो आपने बॉडमॉस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारा पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो इसी को हम सही ऑप्शन लगा देंगे। इसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है इन तीनों ऑप्शनों को, क्यों, क्योंकि हमें पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। अगर इसमें आंसर ना मिलता, ये सेटिस्फाई ना होता इक्वेशन, तो हम लोग आगे के ऑप्शंस में जाते, अगर हमें इसी में सेटिस्फिकेशन मिल गया तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तो ये आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें एक सीरीज़ है, देखिए कैसे इसने किया है, 2216 से 221 तक जाने के लिए 5 प्लस किया है, 221 से 231 तक जाने के लिए इसने 10 प्लस किया है, उसके बाद 231 से 246 तक जाने के लिए इसने 15 प्लस किया है, 246 से 266 तक जाने के लिए 20 प्लस किया है। तो 266 से आगे वाली संख्या को पता करने के लिए किससे प्लस करेगा, 25 से करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए सीरीज चल रही है 5, 10, 15, 20, उसके बाद किससे प्लस करेगा यह 266 को, 25 से प्लस करेगा। ओके, 266 को किससे प्लस करेगा, 25 से प्लस करेगा ये, तो 25 से प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 291 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ₹450 को कितने समय में ₹81 का ब्याज अर्जित होगा यदि साधारण ब्याज की दर 4.5% प्रतिवर्ष है। देखते हैं हम लोग, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इज इक्वल टू P यानी मूलधन, R यानी दर, T मतलब समय अपॉन 100। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चलिए देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो SI कह रहा है ₹21 का ब्याज, यानी SI, तो ₹21 हम यहाँ रख देंगे। मूलधन कितना दिया है, यानी आपका जो भी अमाउंट है वो कितना दिया है, ₹450 दिया है। दर कितना दिया है, 4.5 दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके 45/10 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद टी हमको पता नहीं, इसी को हमको पता करना है, नीचे क्या है 100। ये फार्मूला है, उसी फार्मूले में मैं सब कुछ पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 81, ये 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अपान, ये 45 दोनों जो हैं ये नीचे आ जाएंगे। जब हम इस इक्वेशन इज इक्वल टू टी, तो जब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, टी इज इक्वल टू 4, यानी टाइम कितना लगेगा, 4 वर्ष, कितने लगेंगे, 4 वर्ष, 4 ईयर्स जो हैं ये सही टाइम लगेगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, टी इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी 4 ईयर्स जो है 4 सालों में आपको 81 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा ₹450 में 4.5% के इंटरेस्ट रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार को 6 दिन में करते हैं तथा सी उसी कार को 12 दिन में करता है, ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार को कितने दिन में करेंगे, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड सी इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी विल डू इट टुगेदर। देखिए ए और बी 6 दिनों में करते हैं, तो हम लोग इनका कंबाइन करके लिख लेते हैं, ए और बी कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, सी उसी कार को 12 दिन में करता है, सी कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है मैथ वाले सर आपके अच्छे से डिस्कस किए होंगे, मैथ वाले सर आपको एक ब्रॉडर लेवल पे बताए होंगे कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं ट्रिकी लेवल आपको बताता हूँ, ऐसे में क्या करेंगे हम दोनों का क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, इसका LCM आ जाएगा, तो 6
ओके, छः को जब हम दो करेंगे, छः दूनी 12 होता है, 12 इक्कम 12, यानी ए और बी का एफिशिएंसी लेवल 2 है, सी का एफिशिएंसी लेवल 1 है, सी का एफिशिएंसी लेवल 1 है। तो कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार को कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों का एफिशिएंसी लेवल मिला देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी लेवल 3 हो जाएगा, और इनको काम कितना करना है, 12 करना है, तो इनका एफिशिएंसी लेवल 3 है, यानी एक दिन में ये 12 कार्य कर सकते हैं, सॉरी एक दिन में ये 3 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो 12 काम को करने के लिए इनको कितना दिन लगेगा, तो 3 को जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यानी ये 4 दिन लेंगे। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये मैंने आपको एक ट्रिकी और शॉर्ट वे बता दिया था सॉल्व करने का, और भी इसका एक बहुत ही ब्रॉडर वे है, मतलब हम लोग मान मान के करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो वो आई होप आपको मैथ वाले सर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए होंगे। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वन हुज डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन है चेस। चेस मतलब शतरंज, जो अगर आप लोग खेलते होंगे, आप लोगों में बहुत सारे शतरंज प्रेमी भी होंगे तो वो खेलते होंगे, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा भिन्न होगा। एक्चुअली टिक पहले से ही है, बेसबॉल जो होगा भिन्न होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे चेस जो है चेस को करके आएंगे। लेकिन अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि जो चेस है ये 2 लोगों के बीच में खेला जाता है, कुश्ती भी 2 लोगों के बीच में खेली जाती है, बॉक्सिंग भी 2 लोगों के बीच में ही खेला जाता है, लेकिन बेसबॉल जो है ये एक टीम गेम है। क्या है, टीम गेम है, इसीलिए ये इस ग्रुप पे नहीं बिलोंग करता। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी लगाएंगे कि चेस जो है एक मेंटल गेम है, इसलिए अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हम बेसबॉल को देंगे, उसके बाद हम चेस को देंगे, क्योंकि ये 2 प्लेयर्स द्वारा खेले जाने वाले गेम है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, चेस, लेकिन बेसबॉल जो है ये टीम गेम है। बेसबॉल बिल्कुल ये जो है टीम गेम है, और टीम गेम में खेला जाता है, यानी इसमें कई सारे प्लेयर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो ये आज आपके क्वेश्चन थे, आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैथ के हैं और रीजनिंग के हैं। जैसा कि आपको पता है 2019 में आई थिंक सिर्फ 30 क्वेश्चन ही जीके और जीएस से पूछे गए थे, बाकी मैथ और रीजनिंग का वेटेज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि 2019 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे इसके लिए कि पेपर पैटर्न को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था इन्होंने, तो जीके जीएस का बहुत ही कम वेटेज था। लेकिन अगले साल 2020 में इन्होंने जीके जीएस का वेटेज बढ़ा दिया और 60 क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी भी जीके जीएस आपके पेपर के लिए प्रोमिनेंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज करा रहा हूँ, इससे आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, इससे आपको देखने की ज़रूरत है कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किस सब्जेक्ट के, वो पढ़ने की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, यानी उसका क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं पेपर में, उस सब्जेक्ट पर आपको बहुत ही कम ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्चुअली मोटिव यही होता है, जो सभी लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेशन किस टॉपिक से होगा। तो ये था आपका जो भी क्वेश्चन थे मैंने आज आपसे डिस्कस किया, आगे के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में वो देखा जाएगा। अगर आपकी रीजनेबल अच्छी, मतलब आप अर्थपूर्ण रही अगर आपकी क्वेरी, तो हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा आज एक कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था, उसका मैंने स्टार्टिंग में जवाब भी दिया, मैं फिर दे देता हूँ कि वो जो है उसमें गुरु अर्जुन देव पहले थे और उसमें गुरु तेग बहादुर जी थे दूसरे थे, गुरु अर्जुन देव 5वें थे, गुरु तेग बहादुर 9वें थे। हालांकि कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर दे दिया था, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सब उस क्वेश्चन को जान जाए, क्योंकि कमेंट बॉक्स बहुत लोग नहीं देखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में नहीं जाते हैं। तो जो जो भी मैंने आज आपसे पूछा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इस क्लास के प्रति आपका क्या फीडबैक है वो भी आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।